व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रगलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, आज था MPPSC का एग्जाम, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आज कंडक्ट कराया गया। तो उस एग्जाम में यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन सेंड किए गए मुझे कुछ, तो उसमें से ये क्वेश्चन हाईलाइट किया गया था बच्चे के द्वारा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये मैं दो दिन से ही आप लोगों को नैनो में भी मैंने आप लोगों को बताया, हिंदू वाली वीडियो में बताया। अभी रिसेंटली जो इंटरनेट शटडाउन हमारी कंट्री में चल रहा है, तो उस टाइम पर जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आर्टिकल 19 में आ गया है, अगर इंटरनेट शटडाउन होता है बिना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के, तो इसको फंडामेंटल राइट का हनन माना जाएगा। तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों को सारे फंडामेंटल राइट बताए थे। तो सारे फंडामेंटल राइट बताते बताते मैंने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी कि हमारे फंडामेंटल राइट में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, और एक जगह मैंने आप लोगों को बताया था और दूसरी जगह मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा है ये संशोधन। तो ये डिटेल में आप लोगों को समझाया गया था। तो ये था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके अलावा थोड़ा क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, हालांकि पूरा नहीं देखा है। तो जो मुझे क्वेश्चन पेपर लग रहा है वो एक तो ज्यादातर जो फोकस है वो मध्य प्रदेश पर फोकस है। अब तक जैसे मैंने मध्य प्रदेश का पेपर देखा, उत्तर प्रदेश का देखा, राजस्थान पीसीएस का देखा, तो इनमें जो मुझे सबसे जो ज्यादा ओरिएंटेशन जो देखने को मिलता है वो मैक्सिमम में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्टेट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश वाला जो पेपर था वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्टेट पर फोकस नहीं रहता उसमें, हालांकि थोड़ा सा अलग लेवल में वो चले जाते हैं, पर लेकिन इनमें मैंने देखा है कि वो मैक्सिमम स्टेट पर फोकस रहता है। और जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोग करंट के पढ़ाए हैं वो तो आप लोग मैक्सिमम कवर कर ही लेते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, अगर आप लोग अच्छे से रिवीजन कर जाते हैं तो मैं आप लोग गारंटी देता हूं कि पॉलिटी का कोई एक आधा क्वेश्चन छोड़कर, देखिए एक आधा तो एक्सेप्शन आ जाता है, पता नहीं किस तरीके से घुमा देते हैं, पर लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग वहां पर अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसलिए जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार रिवीजन करके जाइए, और रिवीजन बहुत बार तो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर करा देता हूं, तो इसलिए कंटिन्यूटी में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जाम में। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर जो पेपर है वो मॉडरेट से हाई लेवल का है, यानी कि जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ रखा गया है यहाँ पर एग्जाम का, यानी कि मॉडरेट से थोड़ा सा हाई लेवल पर वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ज्यादा आसान इस पेपर को नहीं बोल सकते आप लोग कि बोले कि बहुत आसान था, पर हाँ इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सबके लिए, आपके लिए नहीं है, और इसका मतलब ये भी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। आसान क्वेश्चन पेपर आता है तो उससे क्या होता है, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं मतलब जो कम मेहनत किए हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, पर लेकिन अच्छा पेपर आता है तो जो पढ़े हैं ढंग से, जो मेहनत किए हैं, तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए उस टाइम पर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और खुश हो जाना चाहिए उस टाइम को कि अब आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बाकी कैसा आप लोगों का ये पेपर रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि इसके बारे में मैं भी जान सकूं और क्या क्या आप लोगों को और आगे फर्दर जो मॉडिफिकेशन आप लोगों को चाहिए जिसे पेपर के बेसिक्स ध्यान में रखते हुए, तो वो भी यहां पर हम लोग इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। इसी के अलावा कल मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद में इसी वीडियो के अंदर फिर अपनी जो विचार इसके बारे में शेयर करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहां पर ये इसका आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा जो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट है वो 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया था 1978 में, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कब था, ये 1976 में था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब लाया गया था, उसके बाद में फ्री संशोधन था उसको ठीक करने के लिए, तो तब से इसको यहां पर न्यूज में रहता है। ओके, आगे चलते हैं। आज का आप लोगों के सामने क्विज है, अटेम्प्ट कीजिए इसको अच्छे से, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर नेशनल यूथ डे के बारे में बात की जा रही है, तो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो किस महान पर्सनैलिटी से रिलेटेड है नेशनल यूथ डे, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, यहां पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में, जिसको I4C यानी कि 4C आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन और सेंटर, तो ये किसके द्वारा यहां पर इनॉग्रेट किया गया, ये एक तरीके का पोर्टल आप लोगों को देखने को मिला, और इसी के साथ में एक सेंटर भी है, सेंटर दिल्ली में और पोर्टल होता है ऑनलाइन, तो आप लोगों को बताना है किसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया, इसका मतलब यह कि कौन सा राज्य कितने इफिशियंटली एनर्जी को इंजॉय कर रहा है, एक तरीके से एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, यानी कि बर्बाद नहीं कर रहा है, तो ये आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा रिलीज ये किया गया है। नेक्स्ट यहां पर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके साथ मिलकर, ये भी आप लोगों को बताना है। नारी शक्ति पुरस्कार जो महिलाओं से रिलेटेड है, ये इंटरनेशनल वुमेन डे पर हम लोग देते हैं, आप लोगों को ये डेट बतानी है किस दिन हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट एक इंडियन ऑथर के बारे में हम लोगों ने बात की थी,
एक इंडियन राइटर के बारे में जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई है और उस किताब को यहाँ पर चिल्ड्रंस बुक अवार्ड यूके के अंदर दिया गया है। इसका नाम था आशा एंड द स्प्रिट बर्ड। तो ये जो किताब है ये डेब्यू नोवल था इनका, इनका पहला ही नोवल लिखा गया और उसी को अवार्ड मिल गया। तो ये पर्सनैलिटी का नाम बताना है और इंडिया से रिलेटेड है तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1000 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हमारी कंट्री में बनाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो भी हमारी कंट्री में बच्चों से रिलेटेड केस आते हैं, जैसे कि बच्चों की कई बार रेप होते हैं, एक्चुअल असोल्ट बच्चों को किया जाता है, तो उससे रिलेटेड हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंस एक्ट, जिसको पोस्को के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो इसके केस सोल्व किए जाएंगे यहाँ पर 1000 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ जल्दी से जल्दी मैटर को निपटाया जाता है। तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर बच्चे रेगुलर कोर्ट में जाएंगे उनकी पढ़ाई तो एक तरीके से हैम्पर होती होती है, इसी के साथ में उनका मेंटल स्टेटस भी हैम्पर होता है। आप लोग समझिए, छोटे छोटे बच्चों को जब जाकर उनसे पूछा जाता है कहाँ पर टच किया, क्या हो गया था, क्या क्या कंडीशन देखने को मिली, तो बच्चा डर जाता है कई बार, तो इसलिए फायदेमंद है। चाइना और पाकिस्तान के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर एक ड्रिल की गई, नेवल ड्रिल, इसका नाम आप लोगों को बताना है जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में थी। अब आंसर बताता हूं, देखिए सरमाया मत कीजिए, अपना स्कोर जरूर लिखा कीजिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और मुझे ये पता चलता है कि किस लेवल की आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, ताकि मुझे पता चलेगा तभी तो उस लेवल पर जाकर मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। तो ये आप लोगों को ये खुद से करना है कि स्कोर जरूर लिखा कीजिए। तो टोटल 8 क्वेश्चन है, एक एक कर आंसर देख लेते हैं। जो नेशनल यूथ डे है ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी यहां पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा यहां पर ये इनॉग्रेट किया गया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये जो है ये न्यू दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया, और इसी के साथ में जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, यानी कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो ऑनलाइन जाकर आप लोग यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पोर्टल भी है, पोर्टल मतलब वेबसाइट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए किसके द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया है, तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा। पावर मिनिस्टर कौन है, आर के सिंह के द्वारा रिलीज किया गया है। क्या यहां पर इसका नाम है, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। तो अगर आप लोगों से पूछे स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर रिलीज करती है, तो ये करती है हमारी पावर मिनिस्ट्री। कौन है पनिस्ट मिनिस्ट्री यहां पर, ये है आर के सिंह। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट यहां पर जो बात आती है, यहां पर स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स जो है किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के साथ में मिलकर यहां पर यह एनर्जी इफिशियंसी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये यहां पर अलायंस है, अलायंस फॉर एनर्जी इफिशियंसी इकोनॉमी, इनके द्वारा यहां पर यह डेवलप किया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार जो है ये 8 मार्च को दिया जाता है, और 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहां पर जसबिंदर बिलान है ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी, जिनकी जो बुक है आशा एंड द स्प्रिट बर्ड, इनको यहां पर अवार्ड दिया गया यूके के अंदर। लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारी कंट्री में लाए जाएंगे, जिसके चलते जो बच्चों के खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। चाइना और पाकिस्तान मिलकर यहां पर एक ड्रिल कर रहे हैं जिसका नाम है सी गार्जियन। तो ये जो ड्रिल है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंडिया को ध्यान में रखकर अगर आप लोग देखें, तो इसलिए यहां पर ये काफी न्यूज में थी। और कहां पर हुई है, ये अरेबियन सी के अंदर आप लोगों को देखने को मिली। यहां देख सकते हैं हो गया पाकिस्तान, और यहां से चाइना जो है इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो यहीं से ही होकर जाता है। इसी के चलते ये पर्टिकुलर रीजन हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए भी काफी बड़ा खतरा यहां से देखने को मिलता है। तो ये थे आप लोगों का क्विज, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, स्कोर जरूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं, यहां पर बात करेंगे नैनो न्यूज के बारे में। लेक्चर की पीडीएफ जो 9 तारीख की आप लोगों की बची हुई थी वही प्रोवाइड करा, सारी पीडीएफ यहां पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, तो आप लोग जाकर यहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हां, हमारे फैमिली मेंबर के द्वारा बड़ी शानदार सी पोयम लिखी गई, हालांकि खासकर वो पोयम लिखते रहते हैं, तो ये जो पोयम होती है, देखिए एक तरीके का हुनर आप लोग बोल सकते हैं। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं उसको पोस्ट करता हूं कम्युनिटी टैग्स में, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कुछ और काम नहीं है क्या। देखिए जैसे आप लोग की हॉबी होते हैं ना, आप लोग जब क्या करते हैं, आप लोग जब फ्री होते हैं तो आप लोग खेलने लग जाते हैं, कुछ और काम करने लग जाते हैं। तो हो सकता है कि इनकी हॉबी जो है वो ये पोयम लिखना हो, जब उनको फ्री टाइम मिलता है वो पोयम लिख लेती है। तो किसी को क्रिटिसाइज मत करो यार, अगर कोई लिख रहा है तो एक तरीके से वो उसका हुनर है, तो उसको सपोर्ट करो, अप्रिशिएट करो, और यही तो हमारी फैमिली है यहां पर। वरना अगर आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो देखिए एक दूसरे को डिग्रेड करने वाली बात होगी, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वो जो पोयम है मैंने कम्युनिटी टैग में भी, फेसबुक में भी और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी, पढ़ा करो और खुद भी अपनी जो विचार है उसके साथ में आप लोग शेयर कर सकते हैं, पर लेकिन क्रिटिसाइज नेगेटिव तरीके से मत किया करो, पॉजिटिव कर सकते हो कि हाँ आप लोग यहां पर इसको, वो नहीं कहते कि यहां पर ये गलत कर दिया आप लोगों ने, गलत लाइन लिख दी, इसको आप लोग और अच्छे से ऐसे लिख सकते थे। तो इसको इससे क्या फायदा होगा, अगर आप लोग ऐसे सुझाव देंगे, जब आंसर राइटिंग का कंक्लूजन आप लोग लिखेंगे ना, तो वहां पर भी आप लोग अच्छे से कंक्लूजन लिख पाएंगे, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी कि क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं सामने वाले को और उसको सही भी कर रहे हैं, वो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो वो आप लोगों को करना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं,
तो यहां पर जो बात की जा रही है काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पर बात करते हैं कोलकाता पोर्ट के बारे में। कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नाम यहां पर रख दिया गया है। तो ये जो कोलकाता के अंदर जो पोर्ट का नाम चेंज किया गया है, तो ये एक कैसा पोर्ट होगा, तो आप लोगों को पता है कि जो यहां पर दो तरीके के पोर्ट नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलते हैं मेनली, तो ये है यहां पर मेजर पोर्ट। तो जो पोर्ट होते हैं, जो मेजर पोर्ट है वहां पर, वो तो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और जो माइनर पोर्ट होते हैं वो आते हैं यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कौन है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जगह जो लाइफ टाइम इनका रहा है वो रहा है इनका 1901 से लेकर ये 1953 तक का। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उसमें मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई ये एज ए मिनिस्टर वहां पर रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा यहां पर जो आज के में बीजेपी पार्टी आप लोग बोलते हैं, तो यहां पर फाउंड किया गया भारतीय जनसंघ, ठीक है, जो कि आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बन गया। तो यहां पर ये इनके जनक थे। तो यहां पर जो नाम चेंज किया गया पोर्ट का, वो इन्हीं के नाम पर पोर्ट का नाम चेंज यहां पर किया गया। तो ये नाम याद रखिएगा आप लोग, नाम क्या है इसका, पोर्ट का नाम यहां पर कर दिया गया कोलकाता पोर्ट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर कितने पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट अगर आप लोग बोले तो टोटल मिलाकर कितने हैं, 13, पहले 12 थे, अब आज के डेट में 13 मेजर पोर्ट आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये जो मेजर पोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में, मैक्सिमम जो भी व्यापार होता है, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं, इस तरीके का जो भी काम हमारी कंट्री में होता है, ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करते हैं मेजर पोर्ट। नेक्स्ट अगर बात करें जो हमारी कंट्री में, अगर आप लोग कोस्टल लाइन की बात करते हैं, तो ये सारे जो पोर्ट आप लोगों को नजर आएंगे कोस्टल एरिया में नजर आएंगे, तो 9 कोस्टल राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो टोटल मिलाकर लगभग यहां पर 7516 है, ये याद रखिएगा, किलोमीटर के करीब हमारी कंट्री की जो कोस्टल लाइन है, तो उसमें यहां पर टोटल मिलाकर 95% अराउंड अगर आप लोग ट्रेड बोले, और 17% अगर आप लोग वॉल्यूम बोले, यानी कि जितना हम लोग व्यापार करते हैं वो सारा मैराइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग करते हैं, यानी कि इन पोर्ट से ही यहां पर ये काम किया जाता है। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट रिसेंटली अभी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था इन्हीं पोर्ट को और ज्यादा लार्ज स्केल पर डेवलप करने के लिए, ताकि हमारी कंट्री में और बड़े बड़े पोर्ट यहां पर बनाए जा सके, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का यहां पर ये प्रोजेक्ट था, ताकि 7500 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है उसको और प्रोडक्टिव वे में हम लोग यहां पर अच्छे से लेकर चल सकें। कब इसको यहां पर स्टार्ट किया गया था, 2015 में यहां पर सागरमाला प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में ये मोदी जी के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया था। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हो गई। थोड़ा सा और यहां पर इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया कोलकाता के अंदर, और 150वीं जो ईयर यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का, यानी कि आज की बात नहीं है, अंग्रेजों के टाइम से यहां पर ये पोर्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में 600 करोड़ रुपए यहां पर इसके दिए गए हैं, ताकि इसको और अच्छे से डेवलप किया जा सके, और इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिला 150 ईयर यहां पर इसके चलते एक कॉमेमोरेटिव यानी कि यादगार स्टैंप भी यहां पर जारी किया गया कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर, ठीक है। तो ये एक ही न्यूज से कई सारी न्यूज आप लोगों की निकल जाएगी, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ओके। और हां, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को पता है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारी कंट्री में चल रहे हैं, तो अभी जो टॉप पर चल रहा है ये महाराष्ट्र चल रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर है दिल्ली, जो यहां पर हरियाणा बोला गया था वो सातवें नंबर पर है। तो देखते हैं अभी क्या क्या आगे चलेगा। अभी आज का जो ये टैली है ये आप लोगों के सामने, कोशिश करूंगा कि डेली जब तक गेम चलते हैं आप लोगों को डेली अपडेट इससे करता रहूं, ताकि एंड में आप लोगों की बहुत सारी चीजें वैसे याद हो जाएं, कंफ्यूज आप लोगों के माइंड में न रहे, ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे चलता हूं, बर्थ एनिवर्सरी स्वामी विवेकानंद जी की 12 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, किसके तौर पर आप लोगों को बताया था मैंने, अभी क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या था यहां पर ये नेशनल यूथ डे के रूप में, ठीक है। तो नेशनल यूथ डे के साथ में तो ये तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं करना है, नेशनल यूथ डे तो अपनी जगह है, नेशनल यूथ फेस्टिवल भी यहां पर इससे रिलेटेड है। तो हमारी कंट्री में नेशनल यूथ फेस्टिवल का जो 23rd एडिशन है वो अभी यहां पर स्टार्ट किया गया लखनऊ के अंदर में। तो ये जो लखनऊ के अंदर में यहां पर इनोग्रेट किया गया, तो उसी के साथ में मोदी जी के द्वारा ये बोला गया कि देखिए हम लोग को लोकल प्रोडक्ट पर फोकस देना है, यानी कि अगर कुछ भी हम लोगों को खरीदना है कोशिश ये करो कि अगर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, देखिए आप लोगों के पास में ऑप्शन होता है, एक तो इंडियन प्रोडक्ट खरीदना है, एक बाहर का प्रोडक्ट खरीदना है। अगर हमारी कंट्री का प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर क्यों ना हम लोग इंडियन प्रोडक्ट खरीद ले, वो वाला बाहर का कंट्री का प्रोडक्ट ना खरीदे, तो मेक इन इंडिया पर फोकस दिया जाए, ऐसा यहां पर बोला गया है। दूसरा जो है यहां पर ये बेसिकली जो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली जो थीम है हमारी कंट्री की, ये उसको भी यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और ये नेशनल यूथ फेस्टिवल जिसको NYF शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है, 1995 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, तो इसके चलते 23rd यानी कि 23वां एडिशन यानी कि 23वां संस्करण अब की बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फिट यूथ फिट इंडिया, तो ये भी नारे आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे, यानी कि अगर कंट्री के जो यूथ हैं वो अच्छे से यहां पर हैं तो फिर सारी चीजें ठीक ठीक आप लोगों को नजर आएगी, ओके। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारी कंट्री में, अगर आप लोगों को बोले
करें, नॉर्थ ईस्ट, आप लोगों को बोला जाए कि कहां पर नॉर्थ है, कहां पर ईस्ट है, कहां पर वेस्ट है, कहां पर साउथ है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कोऑर्डिनेट इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ वाला रीजन, ये हो गया वेस्ट वाला रीजन, ये हो गया साउथ वाला रीजन और ये हो गया ईस्ट वाला रीजन। नॉर्मली ईस्टर्न रीजन आप लोग इसको बोल सकते हैं, पर इसको हम लोग कई बार नॉर्थ ईस्ट रीजन भी बोल देते हैं, जो यहां पर ये वाला रीजन हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रखिएगा। अभी जो बात कर रहा हूं ईस्टर्न रीजन के बारे में, यहां पर बात कर रहा हूं ईस्टर्न रीजन के बारे में, क्या बातें बोली जा रही है यहां पर। अभी कोलकाता के अंदर हमारी कंट्री के जो हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं स्टील के, जिनका नाम है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा यहाँ पर बात की गई कि ये पर्टिकुलर जो रीजन है इसको स्टील का हब यहाँ पर बनाया जाएगा। स्टील जो है उसका हब बनाने का पर्पज क्या है, देखिए बेसिकली अगर जहाँ पर ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर उसका रॉ मटेरियल देखने को मिलता है। तो ये बोला जा रहा है कि कंट्री का 75% जो हम स्टील की कैपेसिटी अगर बढ़ाएंगे तो वहाँ से हम लोग निकाल कर ले सकते हैं, और नेशनल स्टील पॉलिसी यहाँ पर इसी के बारे में बात करती है। अगर 300 के करीब हम लोग टन कैपेसिटी अपनी बढ़ाते हैं 2030-31 तक, तो 200 मिलियन टन जो है वो इसी पर्टिकुलर रीजन से यहां पर निकल कर आ जाएगी। तो इसको और शानदार तरीके से डेवलप करने की बात की जा रही है और फोकस देने की भी बात यहां पर की गई है मिनिस्टर के द्वारा। ओके, आगे बढ़ता हूं। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर न्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से बन सकती है, यह है ओशन के बारे में, और ओशन में भी एक फिश के बारे में। नॉर्मली यहां पर यह फिश है, इसका नाम है यहां पर, देखिए क्या होता है जब अगर कोई इस तरीके की प्रजाति अगर एक्सटिंक्ट होती है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, तो यूपीएससी का बड़ा फेवरेट पोर्शन हो जाता है वो, तो इसलिए उसको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान आप लोग दिया करें। यहां पर यह बात की जा रही है पैडल फिश के बारे में, ठीक है। तो ये जो फिश है यहां पर, इसको बोला गया कि एक्सटिंक्ट हो गई है, यानी कि अब ये देखने को नहीं मिलेगी, और ये बात बोली गई यहां पर ये जनरल साइंस ऑफ टोटल इन्वॉल्वमेंट के द्वारा। यहां पर यह बोला गया कि लगभग 7 मीटर लेंथ की यह फिश हुआ करती थी, जो कि 200 मिलियन ईयर पहले यहां पर देखने को मिलती थी, जिस टाइम पर धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। इसी के साथ में यहां पर जो यांग तीज रिवर है यहां पर, ये चाइना के अंदर में, यहां पर ये इस पर्टिकुलर एरिया में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता था। जो डिक्लेरेशन आया, किसके बेस पर यह डिक्लेरेशन किया गया, तो IUCN, जिसको आप लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN की रेड लिस्ट का जो क्राइटेरिया है उसके बेस पर यहां पर इसको एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। और एक्सटेंट का मतलब आप लोग थोड़ा सा ऐसे भी देखेगी, अब जो पर्टिकुलर रीजन है बस वहीं पर ही कुछ इसकी संख्या देखने को मिलेगी, जिससे आशा जो है वो, आशा की किरण जो है वो काफी खत्म हो जाती है, यानी कि अब ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। अब यहां पर बस किसी पर्टिकुलर रीजन में 2-4 ही आप लोग यहां पर नजर आएंगी। तो इस तरीके से यहां पर ये इस तरीके एस्टिमेशन लगाया जाता है IUCN की लिस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये भी चाइना की साइड से निकल के आ रही है, और यहां पर बात की जा रही है चाइना के जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा बोला गया कि एक स्टडी उनके द्वारा की गई है, एक न्यू वायरस आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि एक निमोनिया, जैसे निमोनिया नहीं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बच्चों को निमोनिया हो गया, निमोनिया जैसी इलनेस यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते जो रिसर्चर है उनके द्वारा उनको एजेंट को यहां पर जो बोला गया, इसको बोला गया यहां पर कोरोन वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस, तो ये इस तरीके से आप लोग इसको तोड़कर याद रख लीजिएगा, CORONA, तो कोरोना वायरस, ठीक है। तो इससे कट कर लिया कीजिए वर्ड को, तो कोरोना वायरस यहां पर इसका नाम रखा गया है। ये जो वायरस है, ये स्पेसिफिकली जो वायरस फैमिली है उसमें आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिलेगा, जो कि जैसे कि कई सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है, मैंने आप लोग कई बार बोला भी है, जैसे नजला जुकाम आप लोगों को हो जाता है, तो उससे खासकर आप लोग अपने दूसरे जो भी घर के सगे संबंधी लोग हैं उनसे दूर रहा कीजिए, क्योंकि एक वायरल डिजीज है और बड़ी ही जल्दी दूसरों पर भी लग जाती है। तो इस तरीके से यहां पर जो ऐसी बीमारी है, तो उसी के तरीके से ये भी जो यहां पर वायरस आइडेंटिफाई किया गया है यहां पर, तो उसी की फैमिली का ये वायरस है, जैसे कोल्ड वगैरह होता है, पर कुछ कम आप लोगों को हम यहां पर पहुंचाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बताई गई हैं, तो नाम उसका आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात यहां पर की जा रही है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, एम वेंकैया नायडू जी, इनके द्वारा 50वां सेशन ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस इन नागपुर, ये यहां पर इनॉग्रेट किया गया है। ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस ये फाउंड की गई थी 1918 में, यानी कि आजादी भी नहीं हुई थी हमारे तब से यहां पर ये है, और इसी के साथ में ये जो इस तरीके की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखिए आप लोग किस तरीके से स्टडी कर रही हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे संस्कृत की स्टडी के बारे में बात की जा रही है, तो और ज्यादा फोकस कैसे उसके ऊपर हम लोग दे सकते हैं और जनता तक ज्यादा कैसे उसको पहुंचा सकते हैं, वो बातें यहां पर होती हैं। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको BORI बोरी आप लोग बोल सकते हैं, ये जो है बेसिकली ये यहां पर इसका इसके चलते यहां पर ये पिक्चर में आया, और ये यहां पर बायएनियल, यानी कि साल में दो साल में एक बार होने वाला सेशन आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलता है, जो कि यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये संस्कृत स्टडी और इसी के साथ में ओरिएंटल स्टडी जनरल पे फोकस यहां पर इसका रहता है।
आगे यहां पर चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, यहां पर बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, यह है हार्मुज पीस इनिशिएटिव। तो हार्मुज का नाम जैसे आप लोग सुनते हैं, इसका मतलब आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज के साथ में। स्टेट ऑफ हार्मुज कहां पर आप लोग समझिए, उसके बाद में आप लोग चीज समझ पाएंगे। ये हो गया मैप में स्टेट ऑफ हार्मुज, जब इसको यहां पर मैप से बाहर निकलेंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन, अब आप लोग देखें यहां पर, ये हो गया यहां पर पर्शियन गल्फ और ये हो गया ओमन, गल्फ ऑफ ओमन। अगर आप लोगों से कोई पूछे स्टेट ऑफ हार्मुज किस दो सिचुएशन को कनेक्ट करता है, तो पर्शियन गल्फ को और इसी के साथ में गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करता है। क्या यहां पर, ये हो गया स्टेट ऑफ हार्मुज, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो यहां पर ये होगी। दूसरी बात यहां पर क्या है न्यूज में, किस लिए, क्योंकि ईरान का जो अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला, ईरान की यूएसए के साथ में अभी नोकझोंक चल रही है, उसके चलते ये रीजन काफी इंपोर्टेंट यहां पर हो जाता है। देखिए ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना यहां पर, ये पर्टिकुलर रीजन इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारी कंट्री के लिए, खासकर हमारी कंट्री का लगभग 65% जो हम लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं वो इसी रीजन से हमारी कंट्री में आता है। तो हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इंडिया के द्वारा रिसेंटली अटेंड किया गया हार्मुज पीस इनिशिएटिव जो कि तेहरान यानी कि ईरान की कैपिटल में अभी नजर आया, ये एक तरीके से वर्ल्ड में स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जब यहां पर यूएसए और ईरान के जो रिलेशन है वो काफी खतरनाक लेवल पर है, ये ट्रेड पार्टनर है ईरान, नेमली चाइना, ओमन, इंडिया और अफगानिस्तान, इनके द्वारा यहां पर इसको अटेंड किया गया। और ये जो इनिशिएटिव है हार्मुज पीस इनिशिएटिव जो बेसिकली देखने को आप लोग यहां पर मिल रहा है, या फिर एंडेवर आप लोग बोल सकते हैं, तो इसको होप के तरीके से यहां पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो प्रपोज किया गया था तेहरान के द्वारा, तो एक तरीके से यूएन असेंबली में यहां पर इसको सितंबर 2019 में बोला गया था कि इसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या कंडीशन है आज के डेट में जब हम लोग बात करते हैं यूएसए और ईरान के बीच में। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जो डिस्कस किया जाना है, जो टेंशन है दोनों के बीच में उसको कम करना है, स्टेट ऑफ हार्मुज जो वर्ल्ड का मोस्ट क्रिटिकल यहां पर चोकिंग पॉइंट माना जाता है अगर हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें। 2/3 जो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट है एलएनजी खासकर अगर आप लोग बात करें तो ये यहीं से ही होकर गुजरता है। 18 मिलियन बैरल यहां पर ऑफ वर्ल्ड पास थ्रू इसी स्टेट से होता है। अगर यहां प्रॉब्लम होगी तो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलेगा। 1/3 अगर आप लोग बात करते हैं जो ट्रेड ऑयल बेसिकली ऐसे ही नजर आता है, ये वर्ल्ड का अकाउंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। 1/3 ये यहां पर अगर एलएनजी गैस देखे वो भी यहीं से निकल के आती है। स्टेट जो है वो कनेक्ट करते हैं किसको, पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमन के साथ में, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। इसी के साथ में यहां पर अगर पीस और सिक्योरिटी रहेगी तो पूरे रीजन में पीस और सिक्योरिटी रहेगी, तो इसीलिए यहां पर इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल न्यूज के बारे में। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में इंटरनेट शटडाउन काफी ज्यादा देखने को मिला। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई आर्टिकल 19 के तहत। तो आर्टिकल 19 में यहां पर अभी सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो शटडाउन इंटरनेट का देखने को मिला, तो आर्टिकल 370 हटाने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर के यहां पर सबसे ज्यादा शटडाउन आप लोगों को नजर आया। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये है 2000 का, इसी के साथ में जो सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी आप लोग बोलते हैं ये है 1973 का। इसी के साथ में टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 का है यहां पर, ये तीन जो है ये मेन लॉ है हमारी कंट्री में जिसके बेस पर इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किसके बेस पर हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट जो एक्सेस इंटरनेट करने वाला उसका हनन किया जाता है, तो यहां पर यह तीन लॉ ये आप लोगों को बताना चाहिए। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया टेंपरेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉमरी सर्विस पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सर्विस रूल अंडर टेलीग्राफ एक्ट जो गवर्न कर रहे थे इंटरनेट जो सस्पेंशन उसको। तो ये अभी सबसे ज्यादा हमारी कंट्री को ये शटडाउन इंटरनेट की कैपिटल भी बोला गया कई सारी रिपोर्ट्स के अंदर, जिस तरीके से हमारी कंट्री में इंटरनेट की सिचुएशन देखने को मिली। डिफेंस न्यूज के बारे में बात करते हैं, हालांकि ये न्यूज आप लोगों को पहले बता चुका हूं, फिर से आप लोगों का रिवीजन यहां पर हो जाएगा। ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो जिस कंट्री के साथ में हमारे बॉर्डर टच करते हैं तो उसके चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश पर खासकर पहले सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नॉन कट स्टील फेंसिंग की जाएगी। फेंसिंग का क्या मतलब होता है, इस तरीके से वायर लगा देना बॉर्डर के ऊपर। तो इसके चलते अभी रिसेंटली ये बोला गया कि अफगान फाइटर्स हैं जो इंडो पाक बॉर्डर पर उनको देखा गया है, तो इसके चलते हम अपनी जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने की बात यहां पर कर रहे हैं। जो फर्स्ट स्टील फेंसिंग यहां पर देखने को मिलेगी ये 7 किलोमीटर जो आसाम सिलचर वाला एरिया है वहां पर इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि बीएसएफ है हमारी कंट्री की वो सबसे पहले यहां पर रोल प्ले करेगी ताकि सिक्योर रखा जा सके चीजों को। और इसी के चलते कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके बारे में कंप्लीट फीडबैक मैकेनिज्म यहां पर नजर आएगी।
ये तो यहां पर किया जा रहा है, और ज्यादा सिक्योरिटी रखने के लिए यहां पर लेजर फेंसिंग भी की जा रही है, जिसके बेस पर अगर कुछ भी यहां से गुजरेगा तो उसके बारे में एकदम पता चल जाएगा। 2 करोड़ रुपए यहां पर एस्टिमेशन है कि इसके ऊपर खर्च आएगा, और कंप्लीट प्रोजेक्ट जो हमारी कंट्री का है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, जिसको CIMBMS के नाम से आप लोग जानते हैं। ये प्रोजेक्ट यहां पर कैसे हम लोग अपने जो बॉर्डर है उनको सिक्योर कर सकते हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में यहां पर आएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब से आर्टिकल 370 के हटाने की बात की गई है, तो हटाने की क्या बेसिकली उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, हटाया नहीं गया है, तो तब से लेकर यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, और जो वल्नरेबल कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई किया गया, और वहां पर और ज्यादा सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर आज के नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। आज का जो नेशनल पार्क है यहां पर है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, ये है उत्तराखंड के अंदर में। इसको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा जो यहां पर डिक्लेयर की जाती है उसका पार्ट ये बन गया 1988 में, और एस्टैब्लिश भी इसको 1988 में ही किया गया था। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क 2005 में जो यहां पर इसको रीनेम किया गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर याद रखेगा। ब्राउन बियर आप लोगों को देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर, यहां पर ये इसके लोकेशन है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर जो कि अटेम्प्ट करना है। कोलकाता पोर्ट का नाम क्या चेंज कर अभी नया नाम रखा गया है? किस महान पर्सनैलिटी की जो बर्थ एनिवर्सरी के साथ में नेशनल यूथ फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? चाइना में कौन सी वो फिश है जो कि अभी एक्सटिंक्ट होती है आप लोगों को यहां पर नजर आई? इसी के साथ में यहां पर ये जो एक्सटेंट का क्राइटेरिया है ये किसके बेस पर यहां पर आप लोगों को नजर आता है? नेक्स्ट यहां पर 50वां सेशन ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा? नेक्स्ट बात की जा रही है हारमुज पीस इनिशिएटिव, तो कहां पर देखने को मिला और कौन से स्टेट से रिलेटेड है यहां पर ये, जिसकी वजह से टेंशन है इंडिया ईरान और यूएसए के बीच में? ये 3 एक्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन 3 एक्ट के ईयर आप लोगों को बताने हैं क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लोग कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। नंदा देवी नेशनल पार्क या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग बताइए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आता है, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर जाना है और शेयर भी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बाकी यहां से जाकर आप लोग इसको टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तुरंत यहां पर आप लोगों को मिल जाती है तो इसको आप लोग जरूर यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। 1 लाख होने वाले हैं यहाँ पर आज के डेट में हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, लगभग 300 की यहाँ पर कमी है, 1 लाख के करीब यहाँ पर होने वाले हैं, तो काफी सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़कर इसका पार्ट बन जाइए ताकि प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।